कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का प्रवास हुआ है आपका, मेट्रो का काम कहाँ तक पहुँचा है और कब तक पूरा होगा? आज 2022 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2022, और बहुत ही ऐतिहासिक दिन हुआ है महामेट्रो के लिए भी और पुणे पिंपरी चिंचवड़ जिनको अपन ट्विन सिटीज़ बोलते हैं उनके लिए भी। आज पहली बार हम लोगों ने पिंपरी चिंचवड़ से सिविल कोर्ट शिवाजी नगर होते हुए कोथरूड बनास तक ट्रायल किया है मेट्रो का और सफलतापूर्वक किया है, और इस रूट में 95% काम पूरा हो चुका है। बचा हुआ 5% काम अगले 1-1.5 महीने में भी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद हमारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होने के बाद ये बाकी लोग भी इसको, सब लोग, समस्त नागरिक उसको यूज़ कर पाएंगे, उसका आनंद उठा पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। अभी ये काम 2000 आज के दिसंबर की तारीख में पूरा होना चाहिए था, ऐसे पिछले कॉन्फ्रेंस में भी आपने कहा था, मगर ये हो नहीं पाया, इससे कुछ हुआ? कोई बात, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का परफॉर्मेंस, गिट्टी की सप्लाई, फ्लड, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। उसके बावजूद हम लोग आज ये ट्रायल कर पाए, और इसका मतलब यह है कि ट्रैक का काम और ट्रेन का काम और सिग्नलिंग और OHE बिजली का जो तार होता है उसका काम, वो सब पूरा हो गया है। स्टेशनों के काम जो हैं सिर्फ थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाले हैं। क्या ऐसे फिक्स डेट बता पाएंगे कब तक पूरा हो पाएगा? जैसा मैंने बताया आपको कि 95% काम पूरा हो गया है, 5% जो काम बचा हुआ है वो अगले 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। हाँ। उसके बाद CMRS का सर्टिफिकेशन होता है, वो प्रोसेस है, और उसके बाद फिर हम लोग खोलने के लिए तैयार होंगे सेक्शन को। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे इसको कैसे खोलना है,